हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म बदला। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, जब से इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था तो सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि ये फिल्म 2016 में आई स्पेनिश फिल्म दी इनविजिबल गेस्ट की रीमेक है। यानी सभी ने फिल्म को देखने से पहले ये मान लिया था कि ये फिल्म बस कॉपी और पेस्ट की गई है और फिल्म में हमें अलग कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन एक बात सभी ने मिस कर दी यहाँ पर कि 2016 में आई हुई फिल्म द इनविजिबल गेस्ट एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म थी, और अगर फिल्म में ही फिल्म का सस्पेंस पूरी तरीके से खुल गया तो फिर सभी को ये बात पता चल जाती है कि असल में फिल्म की स्टोरी है क्या। और ऐसे में इनविजिबल गेस्ट फिल्म को आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और मुझे लगता है हमारे इंडिया में भी काफी लोगों ने इस फिल्म को देखा है। तो जिन भी लोगों ने फिल्म को कॉपी कहा था, उन लोगों को यहाँ पर ये बात सोच लेनी चाहिए कि एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म को अगर फ्रेम टू फ्रेम कॉपी पेस्ट कर बनाया जाएगा तो लोगों को ऑलरेडी फिल्म का एंड पता होगा, तो फिर लोग ऐसी फिल्म थिएटर में देखने क्यों जाएंगे। यानी मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर सुजय घोष ने अपना दिमाग लगाकर फिल्म की स्टोरी को चेंज कर दिया है। हालांकि फिल्म के कुछ एलिमेंट इनविजिबल गेस्ट से मिलते जरूर है, लेकिन फिल्म की स्टोरी को एक ट्विस्ट के साथ में चेंज किया गया है। ऐसे में इस फिल्म को हम रीमेक तो नहीं बल्कि एडेप्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिल्म में स्टोरी के साथ में कुछ चेंजेस किए गए हैं और वो ट्विस्ट काफी अच्छे लगते हैं हमें फिल्म में। इसलिए ये फिल्म मुझे लगता है हर एक उस ऑडियंस को पसंद आएगी जो लोग टीवी पर बैठकर सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखना पसंद करते हैं। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म मासेस ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि क्लास ऑडियंस के लिए है, तो मुझे लगता है क्लास ऑडियंस और मासेस ऑडियंस भी टीवी पर ये दो सीरियल्स देखते ही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म सभी के लिए बनाई गई है, तो अब फिर से क्लास और मास ऑडियंस को मिक्स मत कीजिएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो जवाब है जी हाँ, अगर आपने इनविजिबल गेस्ट फिल्म देखी है तो भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को काफी अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर हमारे सामने रखा गया है। और यहाँ पर डेफिनेटली फिल्म के डायरेक्टर सुजय घोष की तारीफ ही बनती है कि उन्होंने कहानी वन के बाद एक अच्छी फिल्म बनाकर हमें दी है, जो फिल्म हमें जरा भी बोर नहीं करती। यहाँ तक कि आप इंटरवल में बाहर उठकर जाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर जरा सा भी सीन मिस हो गया तो आपको लगेगा कि आपने फिल्म के कुछ मेन सीन्स को मिस कर दिया है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये फिल्म कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी तापसी पन्नू के कैरेक्टर नैना से शुरू होती है, क्योंकि एक कमरे में नैना के बॉयफ्रेंड अर्जुन का खून हो गया है और उस कमरे में नैना के अलावा और कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पुलिस आएगी तो उसका सीधा शक नैना पर ही जाएगा। लेकिन फिर नैना के लॉयर एक दूसरे लॉयर हायर करते हैं ताकि इस केस को एक एक्सपर्ट लॉयर ही हैंडल करे। ऐसे में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बादल यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन उनकी शर्त है इस केस को हैंडल करने से पहले कि नैना उन्हें सारी की सारी बात सच सच बताए कि असल में उस रूम में हुआ क्या था, कि क्या सच में नैना ने अर्जुन को मारा था या फिर उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर नैना झूठ बोलकर बस बचकर निकलना चाहती है। इन सारी डिटेल्स के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म आपको अपनी सीट पर बांधे रखती है और जरा भी बोर नहीं होने देती, भले से ही आप इस फिल्म को इनविजिबल गेस्ट से कंपेयर क्यों ना करें, तब भी ये फिल्म आपका इंटरेस्ट जरा भी खोने नहीं देती। यही इस फिल्म की खासियत है। और अब आ जाए परफॉर्मेंस पर, डेफिनेटली यहाँ पर नाम आएगा अमिताभ बच्चन का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है और उन्होंने आज भी ये बता दिया कि उनसे अच्छा एक्टर बॉलीवुड में और कोई है नहीं। और उसके बाद दूसरी तारीफ यहाँ पर की जाएगी तापसी पन्नू की, क्योंकि जब से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है तब से हमें उनका एक अलग ही रूप देखने मिला है, भले से ही बीच में उन्होंने कुछ बेकार सी फिल्मों में काम क्यों ना किया हो तो भी, लेकिन जब वो एक अलग कंटेंट के साथ हमारे सामने आती है तो वो फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ तो हमें तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन की जोड़ी पिंक फिल्म के बाद फिर से एक बार देखने मिली है, और इन दोनों एक्टर के बाद यहाँ पर तीसरा नाम आएगा अमृता सिंह का। उनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है, लेकिन उनका फिल्म में ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जो भी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी का इस फिल्म में रोल काफी कम है, जैसे कि मानव कुल, टोनी लुक, डेंजल स्मिथ और एंटोनियो किल, इन सभी का काम फिल्म में ठीक ठाक है। लेकिन इस छोटी सी फिल्म में ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ तीन कैरेक्टर पर ही किया गया है। जी हाँ, फिल्म काफी छोटी है, मुझे लगता है फिल्म 2 घंटे से भी काफी कम की है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया गया है फिल्म में गाने डालकर। फिल्म में आपको गाने सिर्फ स्टार्ट और एंड में ही देखने मिलेंगे, ताकि बीच में सॉन्ग डालकर आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए और आप फिल्म देखते वक्त जरा भी भटके ना। वेल, तो अब आ जाए मेरी रेटिंग पर। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 1, और आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार जाकर इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में ही काफी अच्छा इंटेंस बनाती है, जिसमें ये फिल्म मेरी नजर में तो पूरी तरीके से पास हुई। और मुझे लगता है अंधाधुन के बाद मुझे ये फिल्म भी काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन अजीब बात ये लगी कि इस फिल्म को ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपका काम काफी अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग ऐसी फिल्मों को भी देखने थिएटर में आएंगे। और बदला
फिल्म भी कुछ उसी तरीके की छाप छोड़ जाती है। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती है या नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है ज्यादा लोग इस फिल्म से अभी अवेयर नहीं है। खैर तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है बदला फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।